और देखो, मानो या ना मानो, हम लोगों को बहुत सारी गालियां पड़ रही होंगी अभी, है ना। मतलब यार, इनका इतना बुरी तरह बेवकूफ बनाते हैं कि क्या ही बताऊं। इनको तो भाई लोग कैसे हो? तो यार, वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम, और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी दो मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और यार, जोर जो नोवो मिल्टी रेरी इन सबसे ज्यादा ना बंदे आजकल रोजॉक वगैरह में आ रहे हैं। अब देखो, मुझे कद्दू भी शौक नहीं है आते टाइम रोजॉक पे उतरना, कहीं और से आता हूँ रोजॉक पे बढ़िया लगता है, लेकिन यार सीधा यहीं उतरो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन क्या करें यार, कहीं पे भी जा लो बंदे मिल के ही नहीं दे रहे हैं, बंदे ही नहीं मिलते भाई। तो मैं रोजॉक आता हूँ, यहाँ पे गन गुन चोरी करता हूँ और आगे बंदे बैठे पड़े हैं। और रोझौक जैसी जगहों में यार आपको एक चीज बहुत ज्यादा मिलेगी, वो है निहत्ते बंदे ठिल जा रहा है। जिसे मैंने पहला वो भी शायद निहत्ता ही था, खैर जो भी हो, उसका टीममेट यहीं कहीं भगा था, तो उसका पीछा करने मैं आ जाता हूं यहां पे। जैसे कि हमारे इस भाई को ही देख लो, ये बंदा बेचारा नीचे पिस्तौल लूट रहा था, लूटते लूटते मैं आ जाता हूँ पीछे से और भाई ऊपर की तरफ भागते हैं। लेकिन यार, उस बंदे पे सिर्फ पिस्तौल थी मेरे ख्याल से और मेरे पे थी सकारेल, तो हाँ, मिट्टी दिल होने के कारण मैंने उसकी वहीं पे पेटी बना दी। खैर जो भी हो, भाई पे लूट तगड़ी होती है यार, मतलब हीलिंग वुलिंग दबा की होती है बंदे पे, तो मैं वो लूटता हूँ और आगे से बाकी बंदे आ रहे होते हैं। और देखो क्या क्या करना पड़ रहा है, सकारेल की गोली है नहीं तो मैं कट्टा चलाने पर जाता हूं। कोई तू क्या कर रहा है? और यहां पे कट्टे के साथ टाइम पास करने के बाद मैं एक नेट फेंकता हूं और कमाल हो जाता है इस बार। मेरे पीछे पड़ गया था। और यार, इस टाइम पे मेरे पे बहाना भी कुछ नहीं है। मतलब देखो, वेस्ट तो थी नहीं, लेकिन यार ढीठता के कारण मैं अंधा रस करता हूँ, वो सब भी सही है यार। देखो, बंदों से ना कोई कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब शुरू होती है जब यार आपके साथ ये होने लगता है। देखो यार, और अब तो यार बोटो को भी मेरे से दुश्मनी हो गई है। ठीक है, यहाँ पे 3 से लेकर 5 बंदे तक बैठे हैं, किसी को नहीं मारी भाई ने गोली, सिर्फ मेरे पे चलाई बोट ने। खैर जो भी हो, अब गुस्सा आ जाते हैं तो यार अंधा रस करना पड़ेगा आगे की तरफ। यार बोट को फिर और वो वाला बोट मेरे रिवाइव होने के बाद भी मुझे ही डैमेज दे रहा था। ठीक है, यहाँ पे टोटल 6 बंदे होते हैं, हम सबको मिला के यार उसके बाद भी हर बार मुझे ही डैमेज पड़ रहा है उसका। बहुत ही बढ़िया यार, मतलब अब से ना मैं बॉटों पे अत्याचार हो रहा होगा ना, मैं होने दूंगा, मैं जाऊंगा नहीं उन्हें बचाने। मतलब मैं हर बार यही करता हूँ यार, बॉटों पे कोई बंदा अत्याचार कर रहा होता है, उसकी जाके मैं पेटी बना देता हूँ, और उसके बदले में मुझे क्या मिला, बॉट मेरी पेटी बनाने में तुला है। बहुत ही बढ़िया। Enemies ahead. अबे कहाँ है? और ये मैच मेरे लिए बहुत गलत जाता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब हर चीज मेरे साथ ही बुरी हो रही होती है, तो अपना गुस्सा निकालने के लिए मैं इन बंदों पे चढ़ जाता हूँ, ऊपर ही बैठे हैं। अब यहाँ ऊपर से सिर्फ एक ही बंदा नीचे आता है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया था, जहां तक मुझे याद है, 2 बंदों के फूटी स्टेप सुनाई दिए थे। तो देखो, सामने भी कोई बंदा है, वो शायद बॉट पेलना है, पेलने दो उसे। और ऊपर भी एक बंदा है, और जैसा कि मुझे लग ही रहा था यार, एक बंदा छत पे सांप बन के लेटा होता है। खैर जो भी हो, 2 बंदे पेल चुका हूं मैं और आगे से भी फूटी स्टेप आ रहे थे, तो उसको भी पकड़ना होगा।
और मेरे ख्याल से ये उन्हीं बंदों के टीममेट हैं जो यहाँ इस घर पे छत पे लेटे पड़े थे। है ना, तो यार गुस्से में मैं ऐसी होते हूँ, मैं बोलता हूँ यार सीधा रस करो, कब तक TPP लेके बैठे रहेंगे। वैसे टाइम टाइम में लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ बंदे को नॉक कर दिया तो यार पहुँचना तो बनता ही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ आता हूँ, नॉक बंदा पता नहीं किधर चला गया होता है, मतलब छुपने की पूरी कोशिश करते हैं हमारे भाई, लेकिन आखिरकार मिल ही जाते हैं। और इसके टीममेट का बस इंतजार चल रहा होता है कि यार आएगा कहाँ से बंदा। और देखो टीममेट्स का तो पता नहीं, लेकिन बॉट दबा दबा के आ रहे होते हैं। रोजॉक में यार बॉट भी दबा के मिलते हैं। हेलो ब्रो, हेलो। और ये जो हेलो ब्रो ब्रो बोला जा रहा है ना, सब दिखावा है, मतलब बस आखिरी बंदे को ढूंढने की कोशिश चल रही है यहाँ पे, लेकिन वो माइक नहीं खोलता भाई। तो यहाँ पे इनकी पूरी स्क्वाड इस पार थी रोड के, और इनका आखिरी बंदा, एक अकेला बंदा न जाने रोड के उस पार क्या ही कर रहा था। खैर वो भगते हुए आता है अपने भाई को बचाने के लिए, और भाई की रोड पे पेटी बन जाती है। तो उसके बाद देखो मुझे लगता है ठीक है यार, काफी बंदे ठिल गए, बहुत लड़ाई होगी, रोजॉक खत्म हो गया होगा। लेकिन उतने में ही ऊपर एक गाड़ी टैप आती है और गाड़ी में बंदे भरे पड़े होते हैं, तो उनको भी पेलना पड़ेगा। अब और यहां पे मुझे सही में लग रहा था कि यार अब मैं ठिल जाऊंगा, क्योंकि रिलोड पे लगने वाली थी गन, बड़ी मुश्किल से नॉक किया। और यार रोजॉक में बंदे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है मुझे नहीं पता कितनी स्क्वाड से मैं लड़ चुका हूं, कितनी स्क्वाड आपस में लड़के ठिल गई है, लेकिन उसके बाद भी बंदे आए जा रहे हैं, मतलब कम से कम 7 या 8 स्क्वाड यहां आई होंगी पक्का पक्का। और अगर उतरे या नहीं तो यार जहां से इधर उधर लूट करके मेरी तरह बंदे रोजॉक की पहाड़ी में आते हैं, फिर रोजॉक में घुस जाते हैं। और पीछे भी एक बंदा है अभी के लिए। आ गया ये बंदा, और यार इस बंदे की ना मेरी आंखों के सामने पेटी बना दी जाती है। और यही वो बंदा है जिसने यार मेरे आंखों के सामने जिस बंदे को मैं पेलने वाला था उसकी पेटी बना दी। तो देखो उससे बदला तो पक्का पक्का लेंगे, लेकिन यहाँ पीछे पे भी एक बंदा आ चुका है और वो नेट पे नेट करे जा रहा है। तो करना क्या था यार, मैं भी नेट नहीं करूंगा, मैं कूद के जाऊंगा उसको पेलने, नेट नहीं फटते हमारे। और ये बंदा ना अपने साथ साथ मेरे को भी लेकर जाना चाह रहा था, है ना, मतलब बंदे ने नेट फेंक ही दिया था, दीवार से टकरा के मेरी तरफ ही आ रहा था। अच्छा हुआ ज्यादा कुक नहीं था, नहीं तो यार मैं भी फट जाता वहीं पे। खैर जो भी हो, गुस्से की आग में, बदले की चाहत में मैं इस बंदे के पीछे पड़ जाता हूँ और ये कट लेता है यहाँ से। तो यहाँ पे आप भागम भाग चल रही है ना, मतलब यार रोजॉक जैसी जगह में आके भी बंदे भगते हैं, यार मुझे बहुत दुख होता है दिल पे। मतलब यार रोजॉक जैसी जगह में आए हो, किल चोरी की है यार, उसके बाद लड़ लो कम से कम एक जगह रुक के, यार बंदा लड़ता नहीं। ठीक है यहाँ से वहां भगता है, वहां से पीछे भगता है, काफी काफी देर पीछा करने के बाद आखिरकार पता चलता है कि यार वो इस घर के छत पे बैठा है। हरा तो करना क्या था यार, इस बंदे के भी घर के अंदर घुस के पेलेंगे इसे। एक तो भाई ने किल चुराई, उसके बाद भागने की कोशिश, ऐसे कैसे चलेगा भैया। और हमारे भाई यहाँ पे कैंपिंग बिछाने वाले थे, मतलब थोड़ा सा और लेट घुसता ना मैं अंदर, यार ये ऊपर बैठा रहता और हमें कभी भी नहीं मिलता जिंदगी में, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है यार वो भग गया, मैं पीछा करता और ये बंदा छत के ऊपर ही रहता। और जब आखिरकार मुझे लगता है कि यार रुझाव खाली हो गया, मजा आ गया, उतने में ही एक और पता नहीं 3 बंदों की सकौड़ पीछे पे आ जाती है। ठीक है अब ये लोग कहाँ से आए पता नहीं, किसी को नहीं पता, क्योंकि जोर जोर मैं सारे मैचेस में जा चुका हूँ, कोई नहीं आता भाई, हर किसी को रैंक पुश करनी है भैया, एक बंदा नहीं दिखता, बॉट भी नहीं दिखते भाई वहां पे। तो खैर जो भी हो, यहाँ पे मैं हीलिंग पोतता हूँ और यहाँ पे मुझे लग रहा होता है कि यार मैं एक बॉट हूँ,
और ऐसा क्यों लग रहा होता है? देखो यार आप लिया। तो यहां पे मैं बस बंदों को डैमेज दे रहा हूं, है ना। पहले ही बार पीक किया मैंने, स्प्रे दिया, बहुत डैमेज। दूसरी बार पीक किया, एक आध गोली और चलाई, लेकिन कोई नॉक नहीं हुआ, बिल्कुल बॉट की तरह। मतलब यार आज तो बॉट तक ने नॉक कर दिया था, पता नहीं क्यों मेरी गोलियों से बंदे नॉक ओके नहीं दे रहे हैं। और इतने में ही हमारे भाई के कार 98 चटका दी जाती है। बंदे दूर दूर बैठे हैं अलग अलग खिड़कियों पे। तो मैं रिवाइव वगैरह देता हूं और उसके बाद एक और बार बंदा छत पे चढ़ता है तो मैं फिर से डैमेज देता हूं। और यहां पे भी मैं सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को डैमेज दे पाता हूं और नॉक के नाम पे कद्दू भी कोई नहीं हो रहा है। तो करना क्या था यार, यहां पे हमारी फाइट घंटों चलती है ना, वो लोग रोड के इस पार आते हैं, हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि यार हम जाएंगे तो हमारी पेटी बनेगी और वैसे भी गाड़ी गुड़ी कद्दू भी नहीं है अपने पे। तो यहां पे बहुत देर घंटों फाइट चलती है ना, हेलमेट वेलमेट मेरा टूट जाता है, उनका मैं ज्यादा कुछ नहीं तोड़ पाता और पहाड़ी के ऊपर भी बंदे आ चुके होते हैं। एक डैमेज्ड। और आखिरकार जब मैं जाके एक बंदे को नॉक करता हूं डैमेज देने के अलावा, वो मेरी किल चोरी हो जाती है, है ना। तो देखो यहां पे यार, अगर आपने कितनी स्क्वाड आ चुकी है गिना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि यार मेरी गणित के पार है ये सब। ठीक है, बंदे आना रुक ही नहीं रहे, मतलब तभी रुकेंगे ये लोग जब यहां से जोन हट जाएगा, हर किसी को रोजा खाना है। तो मैं क्या बोलता हूं यार, मेरा दिमाग ऐसे खराब हो जाता है, बड़ी मुश्किल से किसी को नॉक किया, उसकी भी किल चोरी होगी। तो मैं बोलता हूं यार अब तो बाइक लेके रस कर दो, हेलमेट के नाम पे मेरे पे कद्दू कुछ नहीं है, डैमेज हो रखा है सब कुछ, उसके बाद भी रस करता हूं मैं अंधा। ये रहा बंदा, ऊपर पे ऊपर पे ऊपर पे। और आखिरकार जाके किसी को डैमेज देने के अलावा पेल भी पाया हूं मैं, है ना। मतलब तब से डैमेज ही दिए जा रहा हूं, पहाड़ के ऊपर एक बंदे को नॉक किया, उसकी भी किल चोरी हो गई। तो देखो बदले की आग में मैं बिल्कुल था, नीचे जो घरों पे बैठे थे बंदे उन्हें मैं बिल्कुल पेलता, लेकिन देखो यार जोन जोन आ गया होता है, वो लोग भग लिए होते वहां से और हम भी भग जाते यहां से। और हां भाई लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ना 1.5 IQ गेम प्ले होने वाला है। मतलब बंदों का इस कदर बेवकूफ बनाते हम कि यार वो सोते समय भी हमें गाली देंगे कि यार ऐसे ढीठ और गलत बंदे किसी को ना मिले। बहुत ही गलत स्कैम होने वाला है यहाँ पे, तैयार हो जाओ। गाड़ी लेके जा रहे हैं, ये छोटा सा पुल है इसे पार कर रहे होते हैं और यहाँ पे एक बंदा भगते हुए दिखता है मुझे, तो मैं निकालता हूँ अपनी AKM। तो यहाँ पे आते ही मैं अपना 1.5 IQ पलान जो होता है बताना शुरू करता हूँ, है ना। लेकिन यार सबको लगता है नहीं, ऐसे काम नहीं करेगा पलान, बेकार काम है। और मेरे को ये बोला जाता है, ऐसे क्या करो, देखेंगे नहीं ऐसे। अब यहाँ पे पलान ये होता है कि यार हम में से सिर्फ एक बंदा यहाँ से गाड़ी लेके भागने का नाटक करेगा, हम ये दिखाएंगे कि यार हम भी भाग रहे हैं, हमें भी नहीं लड़ना। और उतने में ही बोला जाता है कि यार नहीं यार देख लेंगे वो लोग, उसके बाद भी हम ये करते हैं। नीचे से जाऊंगा ना। तो पहले तो माहौल बहुत ही ठंडा होता है ना। तो ये लोग ब्रिज कैंप वगैरह लगा के बैठे पड़े होते हैं, मतलब यार शायद ये लोग अपने टीममेट का इंतजार कर रहे थे जिसकी मैंने ब्रिज पे ही पेटी बना दी। तो हाँ नीचे की तरफ दो और बंदे थे और वहां से वो ठीपी पी लेके ऊपर देख रहे होते हैं। तो उनको क्या दिखता है कि यार गाड़ी जा चुकी है, सब बढ़िया है। ठीक है, थोड़ी देर ठंडा रहता है माहौल, उसके बाद ये होता है।
और देखो मानो या ना मानो हम लोगों को बहुत सारी गालियां पड़ रही होंगी अभी, है ना। मतलब यार इनका इतना बुरी तरह बेवकूफ बनाते हैं कि क्या ही बताऊं। इनको लगता है भैया गाड़ी चली गई बंदे चले गए, लेकिन हम हैं ढीठ, बंदों को पेले बगैर जाएंगे नहीं। तो देखो एक बार इन्होंने ब्रिज कैंप किया था, एक बार हमने पहाड़ी कैंप कर दी। तो ये बोलते भैया सब खाली है, आगे बग्गी पड़ी है, मस्त जोन में जाएंगे और मजा टैपा जाएगा। लेकिन यार हम लोग गए नहीं होते, ऊपर से पेटी बना दी। तो हाँ भाई लोग यार 1.5 IQ गेम प्ले काम कर जाता है, और इस 1.5 IQ गेम प्ले के लिए लाइक पहला मत भूलना बिल्कुल, पेटी बना दो लाइक के बटन की, नीला टैप कर दो, उसे ठोक के रख दो बिल्कुल ही। भाई एक बग्गी के पास जा रहा है, बीसे मार रहा है ऊपर रोड। और यहाँ पे मैं कई सारी कार-98 की गोलियां बर्बाद कर देता हूँ, शर्म के नाम पे मुझे कद्दू कुछ नहीं आता, है ना। गोली चलाता हूँ बंदे भग रहे ऊपर में, किसी को भी नहीं पेल पाता, मतलब यार डैमेज बस दे पाता हूँ। जैसा कि मैंने बोला यार ये मैच बहुत गलत होता है मेरे लिए, डैमेज ही दे रहा हूँ मैं, बॉट वाली फीलिंग आ रही होती है बिल्कुल ही। मतलब यार बॉट भी बंदा मुझे नॉक कर गया था यार, मैं बंदे नॉक नहीं कर पाता। खैर जो भी हो टेंशन, मतलब यार गलती से हेडशॉट बिल्कुल लगेंगे, मतलब यार स्नाइपर उठाई है, किस्मत थोड़ी सी चमकेगी और हेडशॉट लगेंगे। और यार इतने में मेरा ये सस्ता स्प्रे भी देख लो, और यार आखिरकार मुझे भी शर्म आ जाती है, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या ही किस्मत चल रही थी भाई, गोली लग रही है, डैमेज हो रहा है, उसके बाद सारी गोली हवा में जाती है मेरी, है ना। बड़ी मुश्किल से उस बंदे को नॉक करता हूँ, सांप बन जाता है मेरे ख्याल से वो। तो आखिरकार मैं बोलता हूँ भैया सपरे तो अपने बस का ना हो रहा है, टैप टैप करके पेलो उसे। तो एक बंदे को पेल चुका हूँ, आगे 200 कॉर्ड के बंदे बैठे पड़े होते, आपस में लड़के भिड़ जाते हैं, और जो भी बचे कुचे बंदे उन्हें मैं स्नाइपिंग करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। और यार आखिरकार आखिरकार गलती से हेडशॉट लगना चालू हो जाते हैं मेरे। तेरा रेगुलरली पिक। एनिमीज अहेड। एनिमीज अहेड। एक और है यार वहां पर दीवार के पीछे, उसे रिवाइव मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक हेडशॉट देता हूँ, एक बॉडी शॉट देता हूँ, ठीक है। हेडशॉट पेला लेवल 3 का हेलमेट, कोई नॉक नहीं हुआ। बॉडी शॉट पेला यार बंदा नॉक हो गया। तो इससे सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि यार जो मेरी और लेवल 3 की दुश्मनी है ना, लेवल 3 के हेलमेट की, वो बढ़ती ही जा रही है। और एक और गलती से हेडशॉट देखने को मिलेगा यहाँ, उसी घर पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 खिड़की के आर पार हेडशॉट पेल देता हूँ, मतलब बंदा बाहर पे पेटी लूट रहा होता है, 2 खिड़की के आर पार मारता हूँ और सर पे लग जाता है। और आखिरकार जाके इस बंदे को मैं नॉक कर पाता हूँ। ये वही बंदा है जिसपे लेवल 3 का हेलमेट था, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है भैया टूट के 4 हो चुका था वो हेलमेट। तो हाँ भाई को हेलमेट भी नहीं बचा पाता, लेकिन मैं एक बंदे को भी किल नहीं कर पाता यहाँ पे। मतलब डैमेज दे रहा हूँ, हेलमेट तोड़ रहा हूँ, नॉक कर रहा हूँ, लेकिन यार बेटी किसी की भी नहीं बन रही है। और यहाँ तांबे पे सुहागा करने पता चलता है कि यार एक बंदा पीछे पे भी है, और वो बंदा भी स्नाइपिंग कर रहा होता है। तो देखो मैं पीछे वाले बंदे को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आके यार ये लोग मेरा हेलमेट उड़ा देते हैं। तो यहीं पे एक सस्ता सा लेवल 1 का हेलमेट पड़ा होता है, वो उठाता हूँ मैं। अब जो भी होगा भैया देखा जाएगा, क्योंकि अब जोन में जाना है अपने को। जाते जाते यार एक सस्ता स्प्रे भी दे देता हूँ। और यार यहाँ पे मुझे भी नहीं पता क्यों मैंने कार-98 और AKM उठाई है। हरा देखो यार ये कॉम्बो बेवकूफ़ी है उठाना, क्योंकि मीडियम रेंज में आप कद्दू कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अगर आप क्या मेरे जैसा सस्ता स्प्रे है तो यार कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। लेकिन जैसे तैसे करके यार चिकन हो ही जाता है,
मतलब मुझे लग नहीं रहा था जिस हिसाब से मैं जा रहा था चिकन चुका नहीं पाएगा, लेकिन क्या ही करे यार, मजा टाइप आ गया, चिकन लिखा गया एंड में। तो पहले जाके उस बंदे को पहला जो पीछे था उसकी पेटी बनी सीधा, और उसके बाद ये गाड़ी से दो बंदे आते हैं, दूसरा बंदा तो भैया आधे नशे में ही होता है, मतलब उस बंदे को पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है। यहाँ से स्नाइपिंग दबा के करते ये लोग, लेकिन यार सफरे में गड़बड़ हो जाती है। और लेवल 3 का हेलमेट मेरे पास भी था, तो हाँ यार इतना बुरा भी नहीं है हेलमेट, मतलब बस तभी दुख होता है जब औरों पे होता है। खैर वो सब छोड़ो भाई लोग, यार आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते मेरे सस्ते सपरे, और यार वो जो 1.5 IQ गेम प्ले किया था कार से बेकूफ बनाने वाला, यार उसके लिए लाइक जरूर ठोकना और उसे ट्राई जरूर करना। अगर आप स्क्वाड वगैरह खेलते हो यार, गाड़ी लेके जाओ, बंदों के लगेगा सब भग गए और उठ के पेटियां बनाना चालू करना। तो आज के वीडियो में इतना ही भाई लोग, यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, कल मिलते हैं। और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप यहाँ पे नए हो, और भी ऐसे ही सस्ती कमेंट्री और गलत गेम प्ले के लिए। तो कल मिलते हैं भाई लोग यार, बाय बाय।